हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका मम्मानी। वेलकम टू माय स्टैटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हिंदी में इसको बोलते हैं आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण। बच्चों, मेरी क्लास का मोटो है स्टैटिक्स को एक इजी वे में पढ़ाना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास। फिर तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स इज अ आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी कि स्टैटिक्स वो विज्ञान है जिसमें आंकड़ों को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है पहले, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है, व्यवस्थित रूप से उन्हें रखा जाता है, फिर उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, इसके बाद इनमें से आंकड़ों का एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है और इंटरप्रिटेशन यानी कि उससे उनका निर्वचन किया जाता है। डेटा का प्रेजेंटेशन तीन तरह से किया जाता है। टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन यानी कि एक डिस्क्रिप्टिव वे में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, पाठ्य एक पैराग्राफ के रूप में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन, मतलब एक सारणी बना के, टेबल बना के डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यानी डायग्राम बना के, पिक्चर्स बना के डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को पिक्चर बना के, डायग्राम बना के प्रेजेंट करना। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एन इजी एंड अट्रैक्टिव वे, मतलब आंकड़ों को एक सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एन इजी एंड अट्रैक्टिव वे। ऐसा कैसे, किस तरह से किया जाता है, बाय प्रिपेयरिंग डायग्राम्स, मतलब डेटा के क्या बनाए जाते हैं, डायग्राम बनाए जाते हैं, पिक्चर के रूप में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, डेटा को इस तरह से रखा जाता है, इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि आंखों के आगे एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। ये तीन तरह से किया जाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तीन तरह से किया जाता है। इसमें सबसे पहला क्या है, ज्योमेट्रिक फॉर्म, मतलब हिंदी में इसे बोला जाता है ज्यामितीय रूप। इसमें क्या बनाए जाते हैं, बार डायग्राम एंड सर्कुलर डायग्राम्स बनाए जाते हैं, यानी कि इन्हें हिंदी में दंड आरेख और क्या बोला जाता है, वृत्तीय आरेख बोला जाता है। सेकेंड फॉर्म क्या है, फ्रिक्वेंसी डायग्राम्स, हिंदी में इसे बोलते हैं आवृत्ति चित्र। और थर्ड क्या है, अर्थमेटिक लाइन डायग्राम्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स, है ना, हिंदी में इसे बोलते हैं रेखीय ग्राफ या कालिक श्रृंखला। हम आज के अपने इस चैप्टर में ज्योमेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें बार डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम बनाए जाते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का सबसे पहला तरीका है ज्योमेट्रिक फॉर्म, है ना, हिंदी में इसे बोलते हैं ज्यामितीय रूप। इसमें दो चीजें आती हैं, बार डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बार डायग्राम के बारे में। बार डायग्राम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि बार क्या होती है ना। स्टैटिक्स में बार किसको बोलते हैं, बार क्या है, बार इज रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर शेप, आयत या आयताकार आकृति को क्या बोलेंगे, बार बोला जाता है। विच शोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो कि विभिन्न चरों के क्या करते हैं, वैल्यूज को, मूल्यों को प्रकट करते हैं। तो यहां मैंने एक बार डायग्राम बनाया है, इसके इसको देख के हम समझेंगे फीचर्स समझेंगे, बार डायग्राम के क्या समझेंगे, फीचर समझेंगे। फीचर मतलब एक बार डायग्राम को बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, या अगर एग्जाम में पूछा जाता है फीचर्स ऑफ बार डायग्राम तो हमें ये पॉइंट्स लिखने होंगे, ये पॉइंट्स लिखेंगे। तो इसे समझने के लिए मैंने क्या बनाया है, एक बार डायग्राम बनाया है। ये किससे रिलेटेड है, विभिन्न वर्षों की जन्म दर से रिलेटेड है ना। इसमें विभिन्न ईयर्स के, वेरियस ईयर्स की क्या दिखाई गई है, बर्थ रेट दिखाई गई है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की विभिन्न सालों की जन्म दर दिखाई गई है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है और इसे इसके इसको देख के हम समझेंगे कि क्या फीचर्स होने चाहिए बार डायग्राम।
ये क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, एक्स एक्सिस बोला जाता है। छोटी क्लासों में हमने ग्राफ पे, मैथ्स में ग्राफ कॉपी पे हम बनाते थे, जो डायग्राम बनाते थे, सेम उसी तरह से इसको क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, वाई एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, अब और ये जो आकृतियां बनी हुई है, रेक्टेंगल शेप्स बनी हुई है, ये क्या कहलाती है, बार्स कहलाती है। अच्छा, एक बार डायग्राम के फीचर्स क्या हैं, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं। फर्स्ट तो क्या, हाइट एंड लेंथ में भी वेरी बट नॉट विड्थ, मतलब वैल्यूज के अकॉर्डिंग इन बार्स की ऊंचाई जो है, ऊंचाई और लंबाई क्या हो सकती है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो परिवर्तित हो सकती है, लेकिन इनकी जो चौड़ाई है, जो हम ये बनाए बार्स बनाए, रेक्टेंगल बनाए, इनकी चौड़ाई क्या होगी, सेम होगी। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में हमने यहाँ पे विभिन्न सालों की बर्थ रेट बताई है, तो 1960 में इसकी क्या थी बर्थ रेट, क्या है 45 है, 70 में 35 है, और 80 में क्या है 30 है, और 90 में कितनी है 28 है। तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग बार्स की क्या है, ऊंचाई जो है, ऊंचाई या लंबाई क्या है, अलग अलग है, लेकिन इन बार्स को बनाते वक्त हमने इसकी चौड़ाई क्या ली है, सेम ही ली है। दूसरी चीज क्या है कि ये बार डायग्राम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। वर्टिकल तो ऐसे लंबाई में बना सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल मतलब हम इनको बार डायग्राम को चौड़ाई में भी बना सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें समझना होगा, जैसे यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, बर्थ रेट इन इंडिया है ना, यहाँ हम किसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि भारत में जन्म दर कितनी है, विभिन्न वर्षों में जन्म दर कितनी है। तो जिस चीज के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, इंटरप्रिटेट करना चाह रहे हैं, उसको वाई एक्सिस पे अगर हम शो करते हैं, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, वर्टिकल फॉर्म ऑफ डायग्राम हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम इसको बर्थ रेट को कहां दिखाते, एक्स एक्सिस पे दिखाते, और वर्ष को कहां दिखाते, वाई एक्सिस पे दिखाते, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो जाएगा। जैसे इस बुक में नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में मैं पीआईपी भी डाल दूंगी कि मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है ना, मार्क्स ऑब्टेन हम क्या बताना चाह रहे हैं कि विभिन्न कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इन मार्क्स को कहां दिखाया, इन मार्क्स को एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है और कैटेगरी को वाई एक्सिस पे दिखाया गया। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन बार डायग्राम का कौन सा फॉर्म ज्यादा पॉपुलर है, प्रचलित फॉर्म कौन सा है, वर्टिकल फॉर्म में ही ज्यादातर बार डायग्राम बनाए जाते हैं। थर्ड चीज क्या है कि एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये जो हम बार बना रहे हैं ये कैसे बनाने चाहिए, हमें एक समान दूरी पे बनाने चाहिए, हर जो बार है इनके बीच में क्या होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। फोर्थ क्या है, ऑन अ बेस लाइन, ये जो बार्स हैं, रेक्टेंगुलर शेप है, एक आधार रेखा पे, एक बेस लाइन पे बने हुए होने चाहिए। फिफ्थ क्या है, मे बी एनी ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर इनका कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है इनको दिखाने का, तो हमें क्या दिखाना चाहिए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहिए। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को ध्यान रखने के लिए हमें वेरिएबल्स को ध्यान रखना होगा, इनकी वैल्यूज को ध्यान नहीं रख सकते। ठीक है ना, जैसे हम जो बढ़ते हुए वर्ष हैं 60, 70, 80, 90 असेंडिंग ऑर्डर में हमने दिखा रखा है बार्स को। और नेक्स्ट जो ये एग्जांपल है, इसमें क्या दिखाया गया, कैटेगरीज दिखाई गई हैं, ए बी सी डी ई एफ। कैटेगरी मतलब ए में फर्स्ट डिवीजन वालों को रखा गया होगा, बी में जो सेकंड डिवीजन, मतलब डिवीजन वाइज कैटेगरीज बनाई गई। तो या हम कैसे दिखा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर सकते हैं। लास्ट चीज, बार डायग्राम बनाते वक्त क्या ध्यान रखनी चाहिए कि शुड बी कलरफुल, यानी कि इन बार डायग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हर बार में क्या करना चाहिए, अलग अलग कलर बनना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे तीन ही कलर अवेलेबल थे, रेड, ब्लैक एंड ब्लू। कोशिश आप करना, जब भी आपको नोटबुक में या एग्जाम में आंसर दें, तो हर बार के लिए क्या करें, अलग अलग कलर यूज करें। बार डायग्राम पांच तरह के होते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट है सिंपल बार डायग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल दंड आरेख। सेकेंड है मल्टीपल बार डायग्राम, जिसको बोलते हैं बहुगुणी दंड आरेख। थर्ड है कॉम्पोनेंट या सब डिवाइडेड या डिफरेंशियल बार डायग्राम्स, यानी घटक
उप विभाजित या अंतर विभाग दंड आरेख। इसके बाद फोर्थ है परसेंटेज बार डायग्राम यानी प्रतिशत दंड आरेख। फिफ्थ है डिविएशन बार डायग्राम यानी विचलन दंड आरेख। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल बार डायग्राम, है ना। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है? विच शोज द वैल्यू ऑफ अ सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट, जो एक ही तरह के संख्यात्मक तथ्यों की वैल्यूज को, मूल्यों को प्रकट करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक बार डायग्राम बनाया गया है जिसमें कि हम क्या शो कर रहे हैं, बर्थ रेट ऑफ इंडिया ऑफ वेरियस ईयर, विभिन्न वर्षों की, भारत में विभिन्न वर्षों की जन्म दर को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, ईयर लिखे हैं, और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया, बर्थ रेट को दिखाया गया। तो ये एक इस तरह का फॉर्म है, सिंपल बार डायग्राम का फॉर्म है। इसमें हम चाहें, अगर आपके पास अवेलेबल है कलर्स, तो हर बार डायग्राम के लिए अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ही कलर अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने सारी बार्स को क्या किया है, एक ही कलर से बनाया गया है। कहने का मतलब है कि इसमें एक ही तरह के न्यूमेरिकल फैक्ट को बार्स द्वारा शो किया जाता है। यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है, विभिन्न वर्षों की बर्थ रेट को शो किया जा रहा है। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, सरल दंड आरेख बोला जाता है। इस तरह के बार डायग्राम में कंपलसरी नहीं है कि अलग अलग कलर्स का यूज किया जाए, एक ही कलर से ही हम बार्स को बना सकते हैं। दूसरे होते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स, हिंदी में इसे बोला जाता है बहुगुणी दंड आरेख। ये कौन से होते हैं, विच शोज द डेटा ऑफ टू और मोर न्यूमेरिकल फैक्ट, जो दो या दो से ज्यादा संख्यात्मक तथ्यों की डेटा को, आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, इसकी मेन चीज क्या है कि इसमें हर न्यूमेरिकल फैक्ट के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग कलर का यूज किया जाता है। और हमें अपने फुटनोट में, हमें अपने आंसर में ये दिखाना पड़ेगा कि हमने किस न्यूमेरिकल फैक्ट के लिए, किस तथ्य के लिए कौन से कलर को यूज किया है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, एक बार डायग्राम बनाया है, मल्टीपल बार डायग्राम बनाया है। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि इंडिया में विभिन्न वर्षों में बर्थ और डेथ रेट क्या है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बर्थ रेट के लिए ब्लैक कलर को यूज किया है, और डेथ रेट के लिए क्या है, रेड कलर को यूज किया है। तो जो ब्लैक कलर का बार है वो क्या शो कर रहा है, बर्थ रेट शो कर रहा है। जैसे इंडिया में 1960 में, 1960 में बर्थ रेट कितनी है, 45, जबकि डेथ रेट कितनी है, 34 है। 1970 में बर्थ रेट कितनी है, 35 है, और डेथ रेट कितनी है, 30 है। इसी तरह 80 में बर्थ रेट 30 है और डेथ रेट कितनी है, 25 है। 90 में 28 बर्थ रेट है और डेथ रेट कितनी है, 22 है। इसी तरह 2000 में बर्थ रेट कितनी है, 20, और डेथ रेट है 18। अच्छा, आपको ये पता होगा बर्थ रेट और डेथ रेट जो क्या होती है, वो क्या होती है, पर थाउजेंड होती है, ठीक है ना। क्या होती है, प्रति हजार कितने लोगों का जन्म हुआ है, 45 लोगों का जन्म हुआ है 1960 में, और 34 लोगों की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। जन्म और मृत्यु दर का ये आपको पता होगा कि प्रति हजार दिखाया जाता है, पर थाउजेंड दिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे साइड में हमने क्या लिख दिया है कि ब्लैक कलर किसको शो कर रहा है, बर्थ रेट को शो कर रहा है, और रेड कलर किसको शो कर रहा है, डेथ रेट को शो करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल बार डायग्राम का एग्जाम्पल है। हिंदी में से बहुगुणी दंड आरेख बोला जाता है। थर्ड है कॉम्पोनेंट सब डिवाइडेड या डिफरेंशियल बार डायग्राम, ठीक है। इसके तीन नाम है, कॉम्पोनेंट बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम या डिफरेंशियल बार डायग्राम। हिंदी में इसे बोला जाता है घटक उपविभाजित या अंतर विभक्त दंड आरेख, ठीक है। ये कौन से बार डायग्राम होते हैं जिसमें टोटल वैल्यू एंड सब डिविजन ऑफ एनी न्यूमेरिकल फैक्ट, किसी भी संख्यात्मक तथ्य के कुल मूल्य और उसके उप विभाजन को दर्शाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हर कुल मूल्य का क्या, टोटल वैल्यू को के लिए अलग अलग बार बनाई जाती है, और उनका क्या कर दिया जाता है, डिवीजन कर दिया जाता है। और हर डिवीजन के लिए डिफरेंट कलर फॉर ईच सब डिवीजन, हर जो विभाजन है उसके लिए क्या किया जाता है, अलग अलग कलर, कलर से उस उप विभाजन को दिखाया जाता है, अलग अलग कलर बनाया जाता है।
जैसे इस बार डायग्राम में क्या दिखाया गया है, इंडिया में, भारत में विभिन्न वर्षों में जन्म दर को दिखाया गया है, लेकिन उसमें मेल रेशो कितना है और फीमेल रेशो कितना है, यानी जन्म दर में पुरुष जन्म दर कितनी है और स्त्री जन्म दर कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया गया, ईयर्स दिखाए गए हैं 1960, 1970, 1980, 1990 और 2000 दिखाए गए हैं, और यहाँ पे क्या दिखाई गई है, वाई एक्सिस पे क्या दिखाई है, बर्थ रेट दिखाई गई है। बर्थ रेट जैसा कि हम जानते हैं कि पर थाउजेंड प्रति हजार दिखाई जाएगी, और यहाँ पे लिख लिया है ब्रैकेट में मेल एंड फीमेल रेशो। तो ब्लैक कलर से हमने क्या दिखाया है, मेल रेशो दिखाया है, और रेड कलर से क्या दिखाया गया है, फीमेल रेशो दिखाया गया है। तो जैसे 1960 में टोटल बर्थ रेट कितनी है, 45 है, इसमें मेल रेशो कितना है 20 का, और फीमेल रेशो कितना है 25 का है। 1970 में मेल रेशो कितना 35 है टोटल बर्थ रेट, इसमें मेल रेशो है 20 का और फीमेल रेशो कितना है 15 का रेशो है। 1980 में कितना है, बर्थ रेट 30 है, जिसमें मेल रेशो 18 का है और फीमेल रेशो 12 का है। इसी तरह 1990 में 28 है टोटल बर्थ रेट, जिसमें मेल रेशो 10 है 10 और फीमेल रेशो कितना है 18 का है। इसी तरह 2000 में कितना है, 20 बर्थ रेट है, इसमें मेल और फीमेल रेशो कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 10 और 10 आ रहा है। ये मैंने इमेजिनरी डेटा लिए हैं। तो ब्लैक कलर किसको शो कर रहा है, मेल रेशो को शो कर रहा है, और रेड कलर किसको शो कर रहा है, फीमेल रेशो को शो कर रहा है। तो हमने टोटल बर्थ रेट के लिए, कुल जन्म दर के लिए क्या बना दी, एक बार बना दी, और मेल और फीमेल रेशो का क्या कर दिया, इधर सब डिवीजन कर दिया। तो ये किसका एग्जांपल है, कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है परसेंटेज बार डायग्राम, है ना, हिंदी में से बोलते हैं प्रतिशत दंड आरेख। इसमें क्या किया जाता है, चेंज द वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट इनटू परसेंटेज एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज। इसमें जो भी संख्यात्मक तथ्य दिए हुए होते हैं उनकी, उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो कंपोनेंट दिए हुए हैं, उनको क्या किया जाता है, परसेंटेज में चेंज दिए कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर परसेंटेज के बाद उन परसेंटेज की क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाली जाती है, फिर हर बार को 100% माना जाता है, ठीक है ना। हर न्यूमेरिकल फैक्ट के लिए क्या माना जाएगा, 100% है, और कंपोनेंट फॉर ईच वैल्यू, और जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उनके लिए क्या किए जाएंगे, कंपोनेंट बनाए जाएंगे, पार्ट्स बनाए जाएंगे बार के, ठीक है। और फिर डिफरेंट कलर फॉर ईच कंपोनेंट, और हर कंपोनेंट में क्या किया जाएगा, पॉसिबल हो तो डिफरेंट अलग अलग कलर से उसे फिल किया जाएगा। ये एक तरह से जो हमने लास्ट पढ़ा था कंपोनेंट बार डायग्राम या सब डिवाइडेड बार डायग्राम, उसी का ही एक रूप है, उसी का ही एक फॉर्म है। इसमें बस क्या किया जाता है, कंपोनेंट को परसेंटेज में चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, और एक बात इसमें और ध्यान देने वाली क्या है कि हर न्यूमेरिकल फैक्ट के लिए जो बार बनाए जाएंगे उनकी जो लंबाई है वो इसमें क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सभी को, दोनों बार को किसके इक्वल माना गया है, 100% के इक्वल माना गया है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा दिए हुए हैं सोर्स ऑफ जीडीपी इन 2021 एंड 2022, 2021 और 22 में जीडीपी के सोर्सेज दिए हुए हैं। ये किसमें दी हुई है, लैक्स में अमाउंट दी हुई है ना, लाखों में दी हुई है। प्राइमरी सोर्स से कितना जीडीपी हुआ है, सेकेंडरी सोर्स से कितना जीडीपी हुआ है, और टर्शियरी सोर्स से कितना जीडीपी हुआ है, दोनों सालों के अलग अलग डेटा दिए हुए। तो 2021 में प्राइमरी सेक्टर से कितना जीडीपी, ग्रॉस जो घरेलू, जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कितना हुआ है, 18 लाख का हुआ है। सेकेंडरी सोर्स से कितना हुआ है, 28 लाख का, और टेरिटरी सोर्स से कितना हुआ है, 75 लाख का जीडीपी हुआ है, ठीक है ना। ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम, 2021 की बात कर। अब पहले तो इनको क्या कर दिया जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। टोटल कितना जीडीपी आया है, 121 आया है। तो इसमें प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी कितना है, 18 डिवाइड बाय 121
मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना, हर कंपोनेंट की क्या निकाल दी जाएगी, परसेंटेज। तो ये कितना परसेंट आ रहा है, 15% आ रहा है। इसी तरह सेकेंडरी सोर्स की भी परसेंटेज निकाल दी जाएगी, कितनी, 28 डिवाइड बाय 121 इक्वल टू कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ जाएगा, 23% आ जाएगा, ठीक है ना, ये परसेंटेज निकाली है। ऐसे ही हम टेरिटरी सोर्स की भी परसेंटेज निकालेंगे, कितना जीडीपी हुआ है, 75 हुआ है, तो 75 की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 75 डिवाइड बाय 121 इंटू 100%, ये कितना हो गया, 62% जीडीपी हुआ है। तो तीनों की परसेंटेज कितनी आई है, 15%, 23% और 62%। पहले तो हम परसेंटेज निकाल देंगे, फिर इस परसेंटेज की क्या कर देंगे, क्यूमुलेट कर देंगे। जैसे 15 है ना, प्राइमरी सेक्टर 15, और फिर सेकेंडरी सेक्टर को इसके बाद क्यूमुलेटिव कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 38, और 38 प्लस 62 कितना हो जाएगा, 100। तीनों को हमने क्या कर दिया, क्यूमुलेट कर दिया। इसी तरह 2022 के डेटा दिए हुए कि प्राइमरी सेक्टर से कितना जीडीपी हुआ है, 19 लाख का, सेकेंडरी सेक्टर से कितना जीडीपी हुआ है, 30 लाख का, और टेरिटरी सेक्टर से कितना जीडीपी हुआ है, 81 लाख का, ठीक है ना, टोटल जीडीपी कितना हुआ है, 130 लाख का। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो कितनी परसेंटेज आई है, मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता रही हूँ इधर परसेंटेज। जैसे 19, 130 का कितना परसेंट हो जाएगा, 19 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू कितना हो रहा है, 14% हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से 30 लैक्स जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका परसेंटेज कितना है, 30 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना परसेंट आ जाता है, 23% आएगा। अच्छा, नेक्स्ट टेरिटरी सेक्टर जो है इसका कितना है, 81 है, 81 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है, 63% आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या कर ली, सबसे पहले परसेंटेज निकाल ली, फिर इन परसेंटेज को क्या कर दिया जाएगा, क्यूमुलेट कर दिया जाएगा, 14 प्लस 23 37 में 63 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 100%। अब यहाँ पे हमने बार्स ड्रॉ कर ली है, और इस क्यूमुलेटिव परसेंटेज के बेस पे हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब हमारे बार डायग्राम पे आते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम पे। तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिए, हमने इयर्स लिए हैं, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, प्रोडक्शन लिया है। और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 है ना, परसेंटेज के हिसाब से ही हमने मेजरमेंट ले लिया। ये आप सेंटीमीटर के हिसाब से ले लेना, ग्राफ के हिसाब से मेजरमेंट ले लेना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, 2021 के लिए 15% पे पहले कंपोनेंट बनाया, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। फिर सेकंड कंपोनेंट हमने क्या किया, 38 पे बनाया, क्यूमुलेटिव परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे लेंगे, 38 पे हमने बना लिया। और थर्ड क्या है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितनी आ रही है, 100%, ठीक है। अब 15% को मैंने प्राइमरी सेक्टर को रेड कलर से वो कर लिया, ठीक है, तीन कलर्स मेरे पास हैं। आगे 23% है ये, ठीक है ना, ये पार्ट 23% है, और ये पार्ट क्या है, पूरा क्यूमुलेटिव के हिसाब से है। अच्छा, इसको मैंने ग्रीन कलर से कर लिया, और ऊपर जो टेरिटरी सेक्टर है इसको मैंने क्या कर लिया है, ब्लैक कलर से कलर कर लिया, ठीक है। इसी तरह 2022 के लिए भी ले लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट किस पे बनाएंगे, 14 पे बनाएंगे, 14 पे बनाएंगे। सेकंड कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक ये लाइन किस पे ड्रॉ करेंगे, क्यूमुलेटिव के हिसाब से ड्रॉ करेंगे, 37 पे ये लाइन मैंने बना ली। और थर्ड के जो कंपोनेंट है वो पूरे 100% पे ले लेंगे। अच्छा, इसी में भी इन पे भी इसी तरह से कलर भरा जाएगा, रेड कलर प्राइमरी सेक्टर के लिए, ठीक है, और ग्रीन कलर सेकेंडरी सेक्टर के लिए, और ब्लैक कलर टेरिटरी सेक्टर के लिए। और यहाँ पे साइड में हम लिख भी लेंगे कि कौन सा कलर किसको शो कर रहा है, ठीक है ना, ये आप फुटनोट में जरूर डालना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कौन सा लिया है हमने, रेड कलर, रेड कलर इज फॉर प्राइमरी सेक्टर, जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर
पूरा क्लियर करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन को हमें पूरी चीज बतानी पड़ती है, ठीक है ना। और ये कलर ग्रीन कलर किस लिए, जीडीपी फॉर सेकेंडरी सेक्टर, और ब्लैक कलर किसके लिए है, जीडीपी फॉर टेरिटरी सेक्टर। अच्छा, इस पे परसेंटेज के बेस पे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि 2021 से 2022 में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका क्या है, जीडीपी कम हुआ है, 1% कम हुआ है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का क्या है, जीडीपी दोनों साल में बराबर ही है, और टेरिटरी सेक्टर का जो जीडीपी रेट है वो 1% से बड़ी है, ठीक है ना। ये कंक्लूजन हम दे सकते हैं, चाहे तो नीचे फुटनोट में हम दे सकते हैं। तो ये हमने देखा परसेंटेज बार डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। ये एक तरह से कंपोनेंट बार डायग्राम का ही दूसरा रूप है, केवल कंपोनेंट्स को क्या कर दिया गया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया। समझ लें इसको अच्छे से। अब हम समझते हैं डिविएशन बार डायग्राम, ठीक है। हिंदी में इन्हें बोला जाता है विचलन दंड आरेख। ये बार डायग्राम कब बनाए जाते हैं, जब हमारे न्यूमेरिकल फैक्ट्स में कुछ डेटा नेगेटिव दिए होते हैं, माइनस में दिए होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऋणात्मक दिए हुए होते हैं, तो हमें कौन से डायग्राम बनाने पड़ते हैं, डिविएशन बार डायग्राम बनाने होते हैं। इसके लिए इस बार डायग्राम में क्या क्या किया जाता है, बेस लाइन को बीच में बनाया जाता है, ये जो ओ एक्स लाइन है इसको क्या, एक्स एक्सिस लाइन है इसको क्या बनाया जाएगा, बीच में बनाया जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या किए जाएंगे, जो पॉजिटिव यानी प्लस में डेटा है वो ऊपर लिखे जाएंगे, और जो माइनस में डेटा दिए हुए उनको बेस लाइन के नीचे लिखा जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे यहाँ बुक में एक दिया हुआ एग्जांपल, उसमें ईयर दिए हुए और सेविंग या डेफिसिट दिया हुआ है, मतलब बचत या घाटा दिया हुआ। तो ये बचत या घाटा किस में है, हजारों में, इन थाउजेंड, ठीक है ना, इन थाउजेंड्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है कि 2017 में कितना हुआ है, सेविंग 30 हुई है, जो प्लस में डेटा है वो सेविंग है और जो माइनस में डेटा है वो क्या है, डेफिसिट है। 2017 में सेविंग कितनी है, 30 है, 2018 में डेफिसिट है माइनस 20, मतलब 20 का, तो वो डेफिसिट माइनस में ही हो गया। 2019 में ये क्या है, 10 दिया हुआ है, 2020 में 15 का ये सरप्लस दिया हुआ है, 2021 में ये माइनस 25 डेफिसिट दिया हुआ है, तो माइनस में होगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे 2022 में क्या दिया हुआ है, सरप्लस दिया हुआ है 20,000 का। मैं एक बार हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ने का मेरा मोटो ये रहता है कि दोनों मीडियम के बच्चे वीडियो से समझ सके, पढ़ सके। तो 2017 में 30,32,000 की बचत दिखाई गई है, 2018 में 20,000 का घाटा दिखाया गया, डेफिसिट मतलब घाटा, 2019 में 10,000 की क्या दिखाई गई है, सेविंग्स बचत, 2020 में 15,000 की बचत दिखाई गई है, 2021 में 25,000 का क्या डेफिसिट घाटा दिखाया गया, और 2022 में क्या दिखाया गया है, 20,000 का बचत दिखाई गई। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, एक डिविएशन बार डायग्राम में दिखाएंगे। तो ये बेस लाइन जो है एक्स एक्सिस हमने ये बीच में ड्रॉ करी है, और इधर क्या दिखाया है, इयर्स दिखाए हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, सरप्लस या डेफिसिट दिखाएंगे। तो 2017 है ना, सबसे पहले 2017 में क्या आ रहा है, 30,000 का क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। तो सरप्लस को बेस लाइन के ऊपर, जो भी प्लस में है, पॉजिटिव जो डेटा दिए हुए हैं उनको बेस लाइन के ऊपर दिखाया। तो यहाँ पे मैंने कलर लिखा है कि सरप्लस को ग्रीन कलर से, और जो ये डेफिसिट है उसको रेड कलर उसके लिए दिया गया है। तो 2017 में जो 30,000 का सरप्लस है, ये 30 है ना, 30,000 का जो सरप्लस है उसमें मैं क्या कर देती हूँ, ग्रीन कलर भर देती हूँ, ठीक है, और ऊपर लिख देंगे इसमें 30, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, 30। अच्छा, फिर आगे क्या बता रहे हैं, 2018 में क्या बता रहे हैं, डेफिसिट बता रहे हैं। तो डेफिसिट को हमने नीचे बेस लाइन से नीचे लिया है,
20 तक इसको लगाएंगे मार्क, और ये क्या है 20,000 का डेफिसिट है। डेफिसिट के लिए मैंने कौन सा कलर लिया, रेड कलर लिया, तो इसको मैं रेड कलर भर देती हूँ, ठीक है। और क्या लिख देंगे इधर, 20 लिख देंगे, ठीक है ना, 20। आगे 2019 में क्या है, 10,000 का क्या है सरप्लस है, तो सरप्लस के लिए ग्रीन कलर लिया गया है, पहले लिख लेते हैं 10 और इसमें क्या कर देंगे ग्रीन कलर भर देंगे। फिर 2020 में फिर क्या दिखाया गया, सरप्लस दिखाया गया है 15,000 का, तो 15 पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे मार्किंग ये 15,000 पे, यहाँ पे ये 15 में क्या भर दिया मैंने सरप्लस में ग्रीन कलर भर दिया, ठीक है, और ऊपर लिख देंगे 15। फिर 2021 में क्या हुआ है, डेफिसिट हुआ है कितना 25,000 का, तो डेफिसिट कहाँ है, नीचे नेगेटिव में है, इसलिए इसको बेस लाइन से नीचे दिखाया गया 25। इसमें कौन सा कलर हम भर रहे हैं, रेड कलर भर रहे हैं, ठीक है, ये रेड कलर मैंने भर दिया और लिख दिया 25। अच्छा, इसमें ये जो है इसके आगे माइनस का साइन और लगाएंगे, जो डेफिसिट है उसमें माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 2022 में 20,000 का क्या दिखाया गया, सरप्लस दिखाया गया, तो सरप्लस के लिए ग्रीन कलर लिया है, ग्रीन कलर भर देंगे और ऊपर लिख देंगे 20, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा डिविएशन बार डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर शो कर दिए कि ग्रीन कलर फॉर सरप्लस एंड रेड कलर इज फॉर डेफिसिट, समझ लीजिए इसको एक बार, डिविएशन बार डायग्राम को। यहाँ एक चीज और समझना, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स दिखाए हैं, तो जो बार बनाइए उसके अपोजिट साइड उस ईयर को लिखा है, जैसे ये पॉजिटिव साइड है बार, तो नीचे ईयर इसके बेस लाइन के नीचे लिखा है, और ये नेगेटिव साइड है तो बेस लाइन के ऊपर ईयर लिखा है, ठीक है ना। ईयर हम ईयर लिखने का तरीका आप देख लेना डिविएशन बार डायग्राम में, किस तरह से ईयर्स को लिखा गया है। तो आज के लेक्चर में हमने बार डायग्राम के बारे में पढ़ा। स्टैटिक्स को इसी तरह से इजी वे में पढ़ने के लिए देखते रहें क्लास विद मी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।